मैं ये कहना चाहूंगा कि आज हमें, मैं सोच के बता रहा था ना, तो इसलिए ट्रैवलिंग 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 हो रही है। तो यार मैं ये कहना चाहूंगा कि अश्वी बहुत सारी फिल्म्स बनाता है। वो फिल्म मेकर बनना तो उसे बहुत साल हो गए हैं। उसने मेरे ख्याल से 4 साल पहले मामी जीता था मुंबई फिल्म फेस्टिवल। वो उसकी लास्ट टाइम उस वक्त देखी थी मैंने बड़े स्क्रीन पे, ये उसकी मूवी जो डॉक्यूमेंटेड थी उसकी। और उसके बाद अभी हम लोग साथ मिलके एक प्रीव्यू कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं प्रीव्यू कर रहा हूँ तो मैंने बहुत लोगों को बुलाया है। मैंने सिर्फ अपने जो खास हैं, जो मेरे फैमिली जैसे हैं, जैसे रफ्तार हो गया और ये लोग हो गए, गौहर हो गई, तो सिर्फ इन लोगों को बुलाया मैंने। मेलविन वगैरह और डांसिंग कम्युनिटी से सब लोग आ रहे हैं, ताकि मेरे जो खा जो मेरे घर के जैसे जो फैमिली है मेरी, वो लोग देख लें इसे। तो यस, इट्स अ वेरी बिग मोमेंट फॉर मी। और मेरे को अच्छा लगता है कि सिनेमा चेंज हो रहा है। सिनेमा इसलिए मैं ये करना चाहता था क्योंकि हर चीज़ वो आइटम नंबर वो नहीं है। सिनेमा बहुत वास्ट चीज़ और बहुत ही गहरी चीज़ है। तो वो ये जो यूथ है जो समझते हैं उसको, तो इसलिए मैं इसको और प्रमोट करना चाह रहा हूँ। तो शॉर्ट फिल्म के बारे में कुछ बताना चाहेंगे जी, जितना आपसे ये एसोसिएशन सुना है उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्यूमेंट्री है ये, मैंने देखी भी है। और जब प्रोसेस चल रहा था तभी भी मैं देखी थी, क्योंकि वो जो रैपर है वो अभी वो हकलाता है रैपर दरअसल, और उसके फादर की भी रिसेंटली देहरादून का वो डेथ हुई है, तो उसके पास कुछ नहीं है फाइनेंशियल। तो हम लोग ने जितना कोशिश हो सकी, मैं क्या करता हूँ उत्तराखंड में इतना सपोर्ट भी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ वापस जाता हूँ और जितना भी हो सकता है मेरे से, मैं इनको जितने आर्टिस्ट्स हैं इनको सपोर्ट करता हूँ भी जितना भी हो सके मेरे से। यार मैं इतना बड़ा तो भी हूँ नहीं, जितना भी हो सके मेरे से मैं उतना करता हूँ, ताकि उन लोगों को वो आग ना बंद हो उनकी उनकी वो आग बुझे ना। और वो कभी कभी क्या होता है ना, ये सब इश्यूज़ के चक्कर में, फैमिली इश्यूज़ और सोसाइटी का प्रेशर, वो बंद कर देते हैं लोग अपना आर्टिस्ट बनना। तो वो एक जगी रहनी चाहिए। तो वही एक विवेक का है यार, बहुत ही उम्दा राइटर है, ही इज़ अ पोएट। तो मैं चाहता हूँ कि, और उसकी ऊपर डॉक्यूमेंट्री अश्विन ने बनाई है, डायरेक्ट की है, बहुत ही अच्छे और बहुत उम्दा तरीके से अगर आप देखेंगे तो। आई एम हैप्पी दैट आई एम सपोर्टिंग दिस डॉक्यूमेंट्री एंड इट्स फॉर द लव ऑफ सिनेमा। यस राघव, जैसे आप एक फेमस डांसर भी हो और साथ में एंकरिंग भी करते हो, तो फिर कहीं ना कहीं फायदा मिला है यशस्वी को कि आपका फेमस होना या? यार उसकी आर्ट बिल्कुल अलग है। वो अगर अगर आप कहते चलो मैं डांसिंग फील्ड में होता वो, या कोरियोग्राफर बनना होता वो, फिर वो जाके कुछ मेरे फ़ायदा होता, तो नहीं है यार। ये बिल्कुल अलग चीज़ है यार, सिनेमा डॉक्यूमेंट्रीज बनाना एक बहुत ही अलग सीन है, और ये एक अलग अलग ही जॉनर है ये। मैं अलग उस कर करके आया था। तो यस, जिस जो ये कर रहा है वो उसका है, वो उसकी आर्ट है। हम दोनों आर्टिस्ट थे बचपन से ही, वो अलग बात है। मेरे को जल्दी लोगों ने फेमस बना दिया है, वो भी फेम भी ऐसी चीज़ है कि आज है कल नहीं है, तो इस पर तो कभी सर पे नहीं रखना चाहिए ऐसा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि यार ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी भर रहे, बट योर जो आर्ट है आपकी, जो आपकी कला है, वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगी। तो उसको रिस्पेक्ट करते हुए मैंने अश्वी को सपोर्ट किया है, ना कि मैं फेमस हूँ इसलिए मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। वो आर्ट की वजह से, उस कला की वजह से मैंने सपोर्ट किया है। यशवी को देखा गया है वो बड़ा ही डीपली सोचते हैं, हाँ इस डॉक्यूमेंट्री में देखा गया है। और इसके पहले उन्होंने डॉक्यूमेंट एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी ब्लाइंड म्यूजिशियंस को, हाँ हाँ अरमान, बहुत उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, कितना डिटेल? वो तो उसने बहुत डिटेल में गया था यार, वो बहुत साल, वो उसने 2 साल मेरे ख्याल से, दो दो साल उसने हाँ उस पर काम किया था। वो एक म्यूजिशियन था जो बाहर गया था, अरमान नाम का, वो बाहर गया था पढ़ने म्यूज़िक। वहाँ पर कुछ ड्रग अब्यूज़ और ज़्यादा वो सब करके उसको स्किज़ोफ्रेनिक हो गया था, वो स्किज़ोफ्रेनिया हो गया था उसे। वो वापस आया तो वो भटका हुआ था। उसको एक अंधे गुरुजी मिले जिन्हें नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, वो गुरुजी ने उसे गाइड कराया। तो अश्विन ने पूरा उसको 2 साल लगा के शूट किया, फिर जाके एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई अरमान, और उसने अपने पास रखी है। वो ज़्यादा ज़्यादा भेजता भी नहीं है फिल्म फेस्टिवल्स में, वो अपने पास ही रखता है, वो भी पता नहीं क्यों, क्योंकि उसे हाँ उसे पता ही नहीं है ना कि कैसे होता है वो देहरादून में। और दूसरा ये बनाई उससे बीच में एक कॉलेज की डॉक्यूमेंट्री बनाई उसने। ये अरमान बहुत ही क्लोज है मेरे दिल के भी, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो। तो आज की डेट में देखा गया है जिस तरह न्यूकमर्स को चांस मिल रहा है, या न्यूकमर्स में जो टैलेंट उभर के आ रहा है उसके बारे में आपका क्या टेक है? यार जो न्यू कमर्स का टैलेंट उभर के आ रहा है, अभी ऐसा हो गया यार कि अभी पहले क्या होता था यार, पहले सपोर्ट नहीं होता था, चाहे वो सोसाइटी का हो चाहे घर वालों का। अभी क्या हो गया, थोड़ा सपोर्ट बढ़ गया है, क्योंकि अभी लोग देख रहे हैं अच्छा यार छोटे गांव तक से लोग आके कुछ करके दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी सोशल मीडिया और आप लोग इतने एक्टिव हो गए हो कि कुछ छुपता नहीं है, कुछ चीज़ छुपती नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये बहुत ही
स्प्रेड आउट हो गया है और लोगों के अंदर एक सेल्फ सेल्फ अवेयर हो गए हैं, लोग कॉन्शियस हो गए हैं, लोग सेल्फ अवेयर हो गए हैं। जो आपकी यूथ है वो ऐसी नहीं है यार, वो कुछ भी देख के अब हिट नहीं करेगी। अब उसे पता ही है अगर स्क्रिप्ट और स्टोरी हो तो ही जाके लोग पब्लिक देते हैं, अब उनको पता लग गया है। तो मेरे ख्याल से यूथ के अंदर एक चेंज आया है, तो ये एक चेंज है यार और ये अवेयरनेस जगी है। हाँ सो आगे किस तरह की फिल्में करना पसंद करेंगे, शॉर्ट फिल्म या डायरेक्ट करना पसंद करेंगे, आपसे कुछ शेयर किया हो उन्होंने? अभी तो यार वो बस एक्सप्लोर कर रहा है यार, मैं पूछता हूँ उससे क्या करेगा, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डाल सकता मैं उस पर। तो वो कहता है अभी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, उसी के थ्रू मैं करता रहूँगा। तो मैंने बोला भाई बहुत बढ़िया, जो हमारे साथ प्रेशर हुआ है वो तेरे साथ ना हो। आज की स्क्रीनिंग के लिए कितने एक्साइटेड हैं यार? बहुत एक्साइटेड हूँ यार, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, दूसरी बार मैं देख रहा हूँ अश्वी की ये फिल्म बड़े पर्दे पर। मैंने फर्स्ट मामी में देखी थी जब वो जीता था, ही वन मामी 4 साल पहले, बहुत छोटा था मेरे ख्याल से, 12th कर रहा था वो, और उस वक्त वो मुंबई फिल्म फेस्टिवल जीत गया था। तो बहुत अच्छा लगता है यार एज अ ब्रदर, हाँ, कि वो भी आर्ट में ही हैं और आर्टिस्ट, और यस फील्स गुड। आपके लिए आपका एक अहम हिस्सा रहमो सर, आज इतने बड़े डायरेक्टर बन गए, रेस 3 जैसी फिल्मों को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आपकी उनसे भी बात होती है कि मुझे भी कुछ फिल्म में मौका मिल जाए या कुछ? नहीं नहीं नहीं, मेरी हर कभी ऐसी बात नहीं होती मेरी, मैं खुद ही ऐसा नहीं हूँ, उनको पता है मैं बहुत खुदगर्ज आदमी हूँ, और उनको जो टैलेंट दिखता है वो उस हिसाब से मेरे को सेलेक्ट करते हैं। तो हमारी नवाबजादे एक है जो मूवी 1 साल से हमारी बन रही थी, अब जाके टी सीरीज़ खैर उन्होंने लिया और रेमो सर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यस वो मूवी कर रहे हैं अभी हम, और वो मूवी की डबिंग वबिंग चालू होने वाली है, तो उस मूवी पे काम चल रहा है। तो यस रेमो सर ने काफ़ी विश्वास करते हैं मेरे पे। अब ऐसा तो नहीं है ना यार वो सीधा मेरे को उठा के, अगर मेरे को प्यार भी करते हैं सीधा रेस 3 का हीरो बना देंगे, उसमें तो सलमान ही रहेगा ना। और मुझे भी पता है भाई मेरी अभी है नहीं उतना, अभी सीखना है, अभी तो मैं एक्टिंग एक पूरा समुंदर है, अभी तो सतह पे भी नहीं हूँ मैं, अभी तो जंप करना है मुझे, तो अभी मैं सीख रहा हूँ। जब तक इतने बड़े बड़े इतने अच्छे अच्छे मैं देखता हूँ, विकी कौशल और ये लोग मेरे साथ, तो इनसे भी रणबीर कपूर, आई मीन इनको देख देख के मुझे ऐसा लगता है यार कुछ तो यार सीखा होगा, ऐसे नहीं कि बस ऐसे उठ के मैं मेकअप करूँ बॉडी बनाऊँ और मैं एक्टर बन गया, कुछ इन्होंने किया होगा उसके लिए। तो वो बहुत ये देखो रफ्तार भार है, नहीं 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 यू हैव टू, अरे तो आना तो पड़ेगा ही ना, अभी हम इसी लाइन में है ना, क्या कर सकते हैं। ये मेरा कजन है। और तो यस अश्वी मैं और ये है, एक ही बात है वो, क्योंकि हम एक ही फैमिली से एक दरअसल, तो हम सपोर्ट करने आए। यस सुपर, मैं भी सपोर्ट करने आया हूँ। अच्छा सवाल है, इतने एक्साइटेड है स्क्रीनिंग को देखकर? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार, इसके अंदर एक आपको सरप्राइज मिलेगा कि उस लड़के के साथ अभी लाइफ में क्या हो रहा है, और उस चीज़ से मैं बहुत कनेक्टेड हूँ। सो यशस्वी कम, सो आई एम क्लोजली रिलेटेड टू द गाय डायरेक्टर साहब सेंटर में। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी खुशी, सभी आपके साथ हैं? नहीं मेरे को बस एक ऑनेस्ट फिल्म बनानी थी जिसमें सब सपोर्ट करें, सब कनेक्ट करें, और मेरा जो मकसद था वो यही था कि मैं एक स्टोरी लोगों के सामने लाऊँ जो भी रियलिटी है, और जो एक रैपर है जो कि एक लोकेलिटी में है और सबके सामने आए, क्योंकि ये बिकॉज आई नो दिस पीपल पर्सनली, पहले मेरे भाई लोग हैं फिर सब लोग हैं, तो मुझे पता है लोग सपोर्ट करेंगे। सो आई फाउंड हिम, तो मेरे को था कि अगर मैं इनके पास जाऊँगा, इन्हें बताऊँगा कि यार ये एक रैपर है, ये बहुत से रैप करता है, तो शायद से वो नहीं एक शायद से डॉक्यूमेंट्री अपनी आर्ट से उन तक बात करूँगा, तो शायद से वो एक हार्ट टू हार्ट बात होगी, ना कि दिमाग से बात होगी। सो दैट्स व्हाई आप तो रिलेट भी कर पाते हैं कि ये रैपर की एक स्टोरी है, इसीलिए साइन किया उसे। ये सरप्राइज बोला था मैंने थोड़ी देर पहले। अच्छा अरे यार सॉरी यार, थैंक यू। चलो हाँ ठीक है, मतलब यही है कि मतलब देखो ना पूछ रहा था, जब इन यशू और इनकी वजह से, इनका एक कॉमन फ्रेंड है अरमान की वजह से मैं उससे मिला, फिर दिल्ली रह के मेरी उससे बात होती रही, उसने मेरे को अपना सामान भेजा, मैंने उसका गाने सुने, मैंने उसको साइन कर लिया, और उसके बाद से मतलब अभी हमारे साथ एक गाना हम उसका रिलीज़ कर चुके हैं जिसका नाम था रैप करते हैं, विच हैज़ क्रॉस्ड अराउंड 1 लाख व्यूज़ खुद ही उसके सिर्फ उसके बल पे। हम मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं कर रहा कि ताकि उसको ये रियलाइज़ हो कि उसकी खुद की ऐड की कितनी वैल्यू है, मतलब उसकी कला की वैल्यू करते हैं लोग, नॉट बिकॉज कि वो रफ्तार के साथ है या राघव ने पोस्ट किया या यशु पोस्ट करेगा, उसकी खुद की वैल्यू क्या है। सो या दिस गाय डिजर्व्स अ लॉट मोर देन वी कैन ऑफर। आपने लंबा सा स्ट्रगल भी किया है
हाँ मतलब वही कनेक्शन हो जाता है ना। और ये कर्मा के अंदर तो खासियत यही है कि उसका नाम मैंने ही कर्मा रखा, और कर्मा इसलिए क्योंकि वो मेरा कर्मा है, मैंने लाइफ में कभी कुछ अच्छा किया है तो मेरे को वो मिला है, बिकॉज ही इज़ दैट काइंड ऑफ गाय। इस टाइम पे जो हम बात कर रहे हैं वो मेरे घर पे ही है दिल्ली में, और मेरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। अभी उसको सरप्राइज मिलेगा कि हमने साथ में देखी है वीडियो। मैंने बताया नहीं, मेरा तूने भी नहीं बताया। हम उसको भेजेंगे, लाइक दिस विल बी, विल सेंड हिम आवर विशेस। देखा जाए, आप हमेशा से एक्सेस आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हैं, ऐसे कि ओम प्रकाश मिश्रा को भी आपने काफ़ी सपोर्ट किया था। अभी जैसे इनके बताया जो जो रैपर काम करते हैं, उनकी बैकग्राउंड कुछ ना खास नहीं है, तो आप किस तरह से देखते हैं ऐसे आर्टिस्टों को और कितना सपोर्ट करते हैं? मतलब मैं अपनी नज़रों से देखता हूँ कि वो मेरी तरह ही हैं, क्योंकि मेरे को भी किसी ने ऐसे सपोर्ट नहीं किया था, पर किसी ने जब हल्का सा पुश दिया तो वो मेरे लिए काफ़ी था। तो यही है, काफ़ी लोग होते हैं जिनके अंदर टैलेंट बहुत है, सिर्फ वो प्लेटफॉर्म नहीं है, और आज दुआ से मेरे पास है तो मैं दे सकता हूँ, और मेरे पास बांटने के लिए बहुत है। तो आपका जो सॉन्ग है डब काफ़ी फेमस है, रैप, रैप, सब ने डाला, सोनाक्षी सिन्हा ने भी डाला आज, मतलब एवरीबडी इज डूइंग इट मैन, काफी इट्स गुड। बट लेट्स टॉक अबाउट आई स्टैमर व्हेन आई टॉक। नहीं यार, डैब की भी बात करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से जो हम लोग आज इसकी भी पार्टी कर रहे हैं और डैब की भी पार्टी कर रहे हैं। हां, हम इसके बाद पार्टी मतलब हमारी घर की ही होती है, हमारी अपने अपने दाल भात वगैरह खाते हैं। सबसे मेजर सपोर्ट होता है ना वो जो आर्ट से सेंस मिलता है ना, जो मोटिवेशन, वही सपोर्ट होता है जो मेन मिलता है। बाकी तो जब मैंने फिल्म बनाई तो पहले मैंने स्क्रीन करी इनके सामने कि फिल्म लगी कैसी, फर्स्ट ऑफ ऑल वो होता है इसमें। कोई अगर मैं कुछ भी बना के जाऊँ तो वो तो फिर सपोर्ट तो कोई मुझे कर ही नहीं पाएगा। डेफिनेटली एक स्टोरी ऑनेस्ट होना चाहिए उसमें। और मेरे को याद है जब मैंने कर्मा, मतलब जब मैंने विवेक को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया, तो एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट करना शुरू किया था। तो वो बड़ा एक प्रोसेस मेरे लिए जो बहुत था, वो डेफिनेटली सपोर्ट ही रहता है, बिकॉज भाई की पूछते रहते कि क्या चल रहा है, और फिर बताता हूँ कि फिल्म कैसे डेवलप हो रही है, कैसे कंस्ट्रक्ट हो रही है। हमारा हमारे जो बातचीत होती है वो ये नहीं होती कि हम कैसे उसको प्रमोट कर सकते हैं, हम कैसे कैसे उसको क्वालिटी में बढ़ा सकते हैं, तो वो ज़्यादातर मतलब सपोर्ट रहता है। जैसे कि आपने जॉनर चेंज करे, डिफरेंट कैसे डायरेक्शन में अपने कदम रखा, घर में इतना बड़ा डांसर है, उनसे कोई टिप्स लेने क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? बॉडी भी सेम लगती है डांसर की तरह ही, और डांस भी मैंने सुना आप बहुत अच्छा करते हैं। डांस करते हैं बट अभी सभी अभी करते हैं, बस सब जो मन करता है वो करते हैं, ऐसा कुछ मतलब दिमाग में सोच के नहीं करते हैं। बट अभी हम बात कर रहे थे, आप बहुत डीपली सोचते हैं, रिसेंटली आपने शॉर्ट फिल्म देखी है ब्लाइंड के ऊपर, ब्लाइंड म्यूजिशियन के ऊपर आपने शॉर्ट फिल्म बनाई, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना है आपका? इस तरह के सोशल कॉज को लेकर आप फिल्में बनाते हैं, तो क्या आपको जहन में होता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? मेरी लास्ट फिल्म जो थी वो भी एक म्यूजिकल फिल्म थी, ये फिल्म भी एक म्यूजिकल फिल्म है, लेकिन मेरी म्यूजिकल फिल्म में कोई भी ऐसा कुछ इंस्पिरेशन नहीं था कि मैं बहुत बड़े आर्टिस्ट को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसको डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। वो बहुत सिंपल कहानी थी जो कि आर्ट से ही अराउंड रिवॉल्व करती है। तो मुझे लास्ट फिल्म बनाने में 2.5 साल लगा अपना, जिसमें मेरे पे एक कैमरा सेटअप था और एक रिकॉर्डर था बस, जिसमें हम दो लोगों की टीम थी, ना कि कोई मेजर टीम थी। वो भी एक इंडिपेंडेंट फिल्म थी जो मैंने देहरादून में शूट की। और इंडिपेंडेंट फिल्में बनाने में सबसे बड़ा स्ट्रगल यही होता है कि तुम उसे एंड का करो, तुम उसको क्यों बना रहे हो। दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि यार मैं आखिर जो कर रहा हूँ क्या वो सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, क्या पता है मुझे कहीं ना ले जाए, क्या पता ये मेरे को एट द एंड ऑफ द डे सब क्रैश कर दे। बट हाँ, फिल्म बनाने में मैं चाहता हूँ कि मतलब आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर विद लॉट ऑफ जॉनर्स, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर सिर्फ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग, सिर्फ सोशल कॉज ही नहीं, बट मैं एक मूड पर फिल्म बना सकता हूँ, मैं किसी भी चीज़ पर फिल्म बना सकता हूँ। विवेक पर जब मैंने फिल्म बनाई थी तो उसकी स्टोरी मुझे बहुत फैसिनेट की थी, तो इट्स बेसिकली टेलिंग अ स्टोरी थ्रू ऑडियो विजुअल फॉर्मेट, ऐसा कुछ मेजर वो नहीं है। सो लास्टली अपने फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे राघव, और आप दोनों साथ में क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस को? यार मैं कह देता हूँ फैंस को, ये बोलना चाहूँगा कि यार आप लोग बहुत, ये सबसे पहले मैंने एक आर्ट के लिए किया है ये चीज़, सिनेमा के लिए किया है ये चीज़। और जैसे आप मुझसे पूछ रहे थे कि फेमस होने का कुछ वो फेम आज है कल नहीं है यार, वो नहीं आपको मैं जैसे मैंने बताया, बट दिस इज़ फॉर आर्ट एंड दिस इज़, इसका आर्ट बहुत अलग जॉनर है, वो सिनेमा डॉक्यूमेंट्रीज और ये सिनेमा जो बनाते हैं वो अलग है, मैं डांसिंग से शुरू किया वो अलग चीज़ है। तो अच्छा लगता है यार कि अब यूथ जो है अवेयर हो रहा है, वो कॉन्शियस है और उसे पता है कि वो क्या देख रहा है, वो कुछ अब फालतू चीज़ें नहीं देख सकते देखेगा वो थोड़े टाइम में। अभी आप थोड़े साल में तो आप बिल्कुल कुछ आलतू फालतू तो निकाल ही नहीं पाओगे, जब तक अच्छा लिखा नहीं होगा, लिखाई अच्छी नहीं होगी, जब तक कुछ विजन अच्छी नहीं होगी, तो वो पता लग जाएगा। अभी बहुत ऑनेस्ट हो गए हैं यूथ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म आगे बढ़ रहा है तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में वापस आ रही है, बीच में थोड़ी खो गई थी, बहुत लिमिटेड प्लेटफॉर्म से हमें डॉक्यूमेंट्री देखने को मिलती थी, क्योंकि बहुत कुछ बहुत सारी चीज़ों ने कैप्चर कर लिया था। अभी क्या है, मैं चाहता हूँ कि हम ऐसी ऐसी कहानियाँ लाए हर जगह, हर कोने कोने में इंडिपेंडेंट स्टोरीज बने और लोग अपनी कहानियाँ बताएं, तो मे बी वो एक बहुत बड़ा एक सोशल और डिजिटल रेवोल्यूशन हो सकता है,
और आई थिंक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग बननी चाहिए यार ऐसे तो डेफिनेटली. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. वही देख रहा है आज मैं भी वही बोलने वाला हूं सर. आ जाओ. ठीक है सर. आप भी. यार मुझे ना एक फ़ोन आया मेरे दोस्त का कि राघव यू नो कि उसके भाई का मूवी है. यशस्वी को मैं जानता हूँ कि वो जिस तरह से वर्क करता है जिस तरह से उसकी डॉक्यूमेंट्री होती है मैंने देखी क्योंकि हम लोग उनके घर पे ही रहते हैं ज़्यादातर के. सो मुझे ज़्यादातर के कुछ नहीं पता बस आज बहुत खुशी हो रहा है कि जो छोटी छोटी चीज़ें हो रही थी एंड यशस्वी भी उसकी 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 डॉक्यूमेंट्री भी बहुत अच्छे लेवल तक गई है बट ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उसके लिए. सो वही मैं आज देखने आया हूँ. मैं नाम भी पहली बार ही देख रहा हूँ यहाँ पर एंड विवेक जो है इनके मैंने वीडियो देखे थे वो हकलाते हैं कुछ ऐसे. सो यही है एंड मैं देख रहा हूँ पता नहीं अभी कैसे होगा बट आई नो कि जहाँ पर यशस्वी काम करता है वो बहुत ही अमेजिंग होता है. सो जी बहुत बहुत मुश्किल होता है. पहली बात तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है. आप जब भी कोई वर्क करते हो या जो भी सब चीज़ें करते हो तो आपका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है. बट हाँ यशस्वी की बहुत एज भी बहुत छोटा है बट आप जब उनका काम देखोगे तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा इसने वर्क किया है. सो बहुत डिफ़िकल्ट है छोटी एज में करना क्योंकि बहुत सब चीज़ें आपको जाननी पड़ती है समझनी पड़ती है एंड देन बोलते ना ऐसे बोलते हैं कि भाई आप जितना काम करोगे उतना समझोगे उस काम को. सो बहुत ज़रूरी है बट हाँ आज की जनरेशन बहुत अच्छी है जो कम एज में. मैं बस अभी मैं ऑब्वियसली ऐसे सपोर्ट करने में उसके सब काम को मैं सपोर्ट करता हूँ यशस्वी के जितने भी उसके काम रहे जहाँ भी वो ट्रैवल करता है ट्रैकिंग करता है. सो उसके लिए मैं सपोर्ट करता हूँ एंड आई नो कि ये मूवी को भी मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करूँगा क्योंकि यशस्वी की. मेरा अभी जुलाई में मेरा राघव एंड पुरीत का मूवी आएगा नवाबजादे. सो जुलाई में रिलीज़ हो जाएगा एंड देन उसके बाद डांस प्लस शुरू हो रहा है. ABCD 3 आ रहा है. दो तीन है प्रोजेक्ट है वो जब डील पक्का हो जाएगा देन मैं आपके सामने आऊँगा एंड देन बताऊँगा मैं. जी जी जी. कितने बड़े फैन हैं आप? पता नहीं देखो वो मूवी किन का भी हो कैसा भी हो लेकिन एक चीज़ है कि वो फैमिली पिक्चर मुझे लगती है क्योंकि रेमो सर ने बनाई है. सो एंड सलमान भाई को भी मैं बहुत मानता हूँ. सो आज ही कल ही मैंने पोस्ट किया है क्योंकि गाना आज उनका रेस वाला जो वो हुआ. सो तो सपोर्ट तो दिल से बहुत है एंड मैं भी ये चाहूँगा कि रेस 3 भी बहुत ही जैसे रेस 1 रेस 2 जितनी बड़ी फिल्म है एंड जितनी सक्सेस हुई है ये भी उतनी सक्सेस हो. थैंक यू सो मच. एक सवाल पूछना चाहूँगा अगर आपके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री या बायोपिक बनाई जाए क्या लगता है? अभी 3-4 लोग लिख तो रहे हैं बट पता नहीं मुझे नहीं पता नाम क्या होगा बट हाँ वो तो डायरेक्टर ही डिसाइड करेगा. अभी मुझे नहीं पता है कि अभी ये जो अभी मुझे छोटा दिखाना मैं कैसे दिखाऊंगा. सो पता नहीं वो तो डायरेक्टर का कॉल है. 2-3 लोग लिख के गए बट आई डोंट नो. इतनी बढ़िया लग रही है वो ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है कि मैं पहला शो देखूँ क्योंकि मैं मान गया मैं रणवीर को मान गया एंड रणवीर जो जिस तरह से वर्क करते हैं वो बहुत अमेजिंग रहता है एंड जिस तरह से अलग अलग कैरेक्टर पकड़े उन्होंने जवानी के देन वो थोड़े एज वाले तो हर एक चीज़ ऐसा लग रहा है कि संजू बाबा ही बात कर रहे हैं वही एक्ट कर रहे ऐसा लग रहा है. सो मैं बहुत खुश हूँ कि वो जब भी मूवी आएगी तो मैं सबसे पहले जाऊँगा देखने. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. पहले मैं आपसे इसलिए बोला था कि मैं पहले फिल्म देख लेता हूँ फिर बताता हूँ. तो आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि एक बहुत ही एक्सपेरिमेंटल वर्क है जैसा श्री ज्वेल ने जो फिल्म बनाई है और मुझे इस बात की खुशी होती है कि अब आप ऐसे सब्जेक्ट पे भी डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं शॉर्ट फिल्म्स बना सकते हैं जिसके बारे में आदमी सोच भी नहीं सकता था. और
निश्चित तौर पर आई एम एक्साइटेड कि फिल्म बहुत अच्छी होगी और डॉक्यूमेंटेशन बहुत ऑथेंटिक होगा और जैसा कि मुझे यहाँ के माहौल से लग रहा है सो मेरी हाँ या प्लीज सर आपने लंबा समय इंडस्ट्री को दिया है मुश्किल होता है न्यूकमर्स को का मतलब न्यूकमर्स को अपना टैलेंट दिखाने या कुछ उसके बारे में क्या कुछ कहना आपको यूथ को किस तरह देखते हैं मैं यूथ को इस तरीके से देखता हूँ कि टैलेंट तो नहीं छुप सकता है वो किसी ना किसी तरीके से बाहर आ ही जाएगा इफ़ यू आर टैलेंटेड इफ़ यू आर फोकस्ड तो आपको कोई नहीं रोक सकता हाँ ये है मुश्किलें और स्ट्रगल या सो कॉल्ड स्ट्रगल वो तो होता है वो तो पार्ट ऑफ जर्नी है और सक्सेस के बाद भी होता है सो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि मेरे जैसा गांव से आने वाला व्यक्ति यदि 20 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो शायद वो थिएटर की वजह से कर रहा हूँ ईमानदारी की वजह से कर रहा हूँ या अपना फोकस की वजह से कर रहा हूँ सो यूथ के लिए मेरा वही है कि जस्ट फेम की तरफ मत भागिए बहुत इंस्टेंट और छोटा छोटा फेम और आपकी फ़ोटो छप गई तो आप समझ लेते हैं कि सब कुछ हो गया एक्चुअली वो कुछ नहीं होता उसके बाद ही शुरुआत होती है तो आपको काम आना चाहिए सो डेफिनेटली यू विल गेट गुड वर्क मुकेश सर आपकी कोई अपकमिंग फिल्म कोई आने वाली है उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे एक तो मेरी राघव के साथ ही फिल्म आ रही है नवाबजादे और उसको लेके भी एक्साइटेड हूँ इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है मस्ती की है और एक और फिल्म है ये फिल्म पाकिस्तान में बैन है जिसकी डबिंग अभी मैं कर रहा हूँ और अनुराग जी उसके डायरेक्टर हैं मिस्टर सुनील सो दो तीन फिल्में एक साउथ की दो फिल्में आने वाली हैं सो सर फिल्म की बात हुई तो आप गोलमाल में एक संजू बाबा के कैरेक्टर में पसंद किए गए और संजू की बायोपिक भी आ रही है जिसमें रणबीर काम कर रहे हैं कितना आप रिलेट कर पाए कितनी पसंद आई आपको मैं देखो जो वसूली भाई है वो संजू बाबा का भक्त है और जो रणबीर ने किया है वो संजू बाबा को ही निभाया है सो ये दो बिल्कुल अलहदा चीज़ें हैं कि एक तरफ मिमिक्री या एक थोड़ा सा उनको उनका फ़ैन होना अलग है और उनको निभाना एक अलग एक्सरसाइज है और मैंने करीब 25 बार उसका मैं प्रोमो देख चुका हूँ टीज़र देख चुका हूँ और हाईली इम्प्रेस्ड हूँ और मुझे लगता है कि राजू हिरानी जी का एक सिग्नेचर फिल्म ये है और मैं संजू बाबा के की इज़्ज़त भी बहुत करता हूँ उनके करीब भी बहुत हूँ और डेफिनेटली वो एक अपने आप में इतिहास हैं सो मेरी पूरी शुभकामनाएँ निश्चित तौर पर कि मेरा ये है कि फेस्टिवल्स में खूब ले जाएं और सबसे फेस्टिवल्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ऐसी फिल्म आम जनता तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ वो डॉक्यूमेंटेशन या अपनी आप बीती और सिर्फ आपस में दोस्तों ने देख ली वो ऐसी फिल्म ना हो जाए या फेस्टिवल्स में चली गई वहाँ पर सिर्फ अवार्ड्स मिल गए जनता तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है तो मेरी बिल्कुल वेल विशेज हैं तो और मैं यही चाहूँगा कि आम लोगों तक ये फिल्म पहुँचे थैंक यू सर थैंक यू यार एक्साइटमेंट तो राघव के चेहरे पे उसके भाई की डॉक्यूमेंट्री एंड आई थिंक आई एम हियर ओनली टू सपोर्ट बिकॉज आई थिंक एवरीथिंग दैट मुझे राघव बहुत अच्छा लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा बहुत प्यारा दोस्त है एंड आई लव एवरीथिंग दैट ही डज एंड आई थिंक एवरीथिंग दैट ही शेयर्स एंड ही वॉन्ट्स टू डू इज ऑलवेज अबाउट एक चेंज के बारे में होता है कुछ अच्छी चीज़ के बारे में होता है सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाई आई एम हियर बिकॉज हर चीज़ जो राघव से कहीं ना कहीं जुड़ी होती है उसमें बहुत हार्ट होता है देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ट इन एवरीथिंग दैट ही डज एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई आई एम हियर टू सपोर्ट हिम टू सपोर्ट हिज ब्रदर एंड यू नो टू मेक श्योर दैट एवरीबडी आउट देयर सीज इन लोगों की मेहनत एंड इट्स इट रीचेस आउट टू ऑल ऑफ यू गाइस ऐसे एक रैपर के बारे में कहानी जो अगला के जी, बोलता है जी तो जी 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 ऐसा है जो काफी एकदम मेरे स्कूल में हुआ करते थे मेरा एक दोस्त था जो मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में था उसको स्टैमरिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी एंड वो ऐसा नहीं था कि वो गाता था तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता था बट हाँ उसको स्टैमरिंग की बहुत प्रॉब्लम थी एंड आई रिमेंबर कि उसका बड़ा मजाक उड़ाया जाता था कई कई बार दोस्ती में हम लोग भी उसका बहुत मजाक बनाते थे बट द ओनली वन दैट आई नो इज़ हिम मेरे फोर्थ स्टैंडर्ड का एक वो दोस्त था एंड ये कहानी बहुत अलग है ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में जो जब बात करता है तब स्टैमर करता है लेकिन जब गाता है तब स्टैमर नहीं करता सो आई थिंक इट्स गोइंग बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू सी मैं अंदर जाके देखूंगा व्हाट इट इज एंड देन आई विल बी एबल टू गिव यू अ लिटिल मोर अबाउट इट सो रिव्यू आज के यूथ को किस तरह देखते हैं आपने भी तो लंबा स्ट्रगल किया है फिर भी यार आज का हमारा जो यूथ आज हम जो है ना हम हमारा जो यूथ है फिलहाल उफान पर है लेट मी टेल यू दिस इज टेक्निकली द बेस्ट टाइम फॉर आवर नेशन इज बिकॉज अब इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हो गई है प्लेटफॉर्म्स इतने ज़्यादा हो गए लोगों को अपनी बातें पहुंचाने का दूसरे लोगों तक इतने सारे जरिए बन चुके हैं कि अब कोई किसी का मोहताज नहीं है कहीं ना कहीं एवरीबडी हैज़ देयर ओन प्लेटफॉर्म एवरीबडी हैज़ देयर ओन वे ऑफ शोइंग देयर टैलेंट सो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा टाइम है हम सब लोगों के लिए एंड आई थिंक एवरीबडी आउट देयर हुज़ यू नो
trying to get their best out there for the audiences. Please, you know, give it all that you have, and you never know ki hum kahan ja sakte hain. Ritwik, ek documentary film hai, to aapko kya lagta hai India mein kitna scope hai documentaries ki? Bilkul hai yaar. I mean, technically, dekhi audience, agar aapka aapki documentary ho, aapki film ho, ya aapka kuch bhi, aapki koi bhi series ho, anything that you're trying to make, usme kya hai na ki agar aapki banayi hui jo cheez hai, usme honesty hai. तो वो अपने आप अपनी ऑडियंस ढूंढ लेती है, तो आपकी ऑडियंस आपके प्रोडक्ट को ढूंढते हुए आप तक पहुंच जाती है आज के टाइम पे. सो यू डोंट रियली नीड टू गो टू द ऑडियंसेस, द ऑडियंसेस इज योर ऑडियंस इज राइट देयर ऑल ओवर द इंटरनेट. सो या थैंक यू वेरी मच गाइस. थैंक यू. हाँ हाँ पुनीत, सबसे पहले इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राघव आपके बहुत अच्छे दोस्त थे, उनके भाई का ये प्रोजेक्ट है, कैसा लगा आपको सबसे पहले? राघव मेरा भाई जैसा है तो उसका भाई मेरे भाई जैसा है. एंड हम लोग की एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट फैमिली, एंड हम लोग की वी आर वेरी टाइट टुगेदर. एंड यशस्विनी, हम सब जानते हैं यशस्वी की बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, और काफ़ी सालों से ही इज़ इनटू दिस फिल्म मेकिंग, यू नो, वो एक जोन में है. और जब एक बंदा टैलेंटेड हो, क्रिएटिव, हार्ड वर्किंग हो, तो ये मूवी बनती है. एंड आई थिंक यशस्वी ने बहुत बेहतरीन मूवी बनाई है. एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग. आई थिंक ही इज़ गॉट, राघव जितनी ऊँचाई छुएगा उससे डबल यशस्वी छुएगा, बिकॉज ही इज़ फोकस, ही इज़ वेरी नाइस गाय. और आई स्टैमर व्हेन आई टॉक, कैसी लगी आपको फिल्म में क्या खास बात लगी आपको? ये फिल्म में वैसा कुछ माइंड ब्लोइंग चीज़ें नहीं थी. व्हाट आई रियली लव्ड अबाउट दिस मूवी वाज ऑनेस्टी, एंड एक ऑनेस्ट दिल से एक ऑनेस्ट इंसान के बारे में एक ऑनेस्ट फिल्म बनाई है. एंड जब अगर एक इंसान एक मूवी को एक वर्ड में डिस्क्राइब कर सकता है, तो मूवी बहुत अच्छी बनी है. तो मुझे लगता है एक ऑनेस्ट मूवी बनी है. पुनीत, आप किस तरह से देखते हो न्यू कमर जब इंडस्ट्री में आते हैं, तो फिर कितना स्ट्रगल करना पड़ता है? आपने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है देखा जाए तो, आप किस, आपका क्या टेक है इसके ऊपर? स्ट्रगल होना ज़रूरी है. स्ट्रगल के बिना जो चीज़ें मिलती है वो अप्रिशिएट नहीं की जाती है, उसको उसे अप्रिशिएट नहीं की जाती है. तो बेशक बहुत स्ट्रगल करो, बेशक बहुत मेहनत करो, बेशक बहुत ऊँचाइए छुओ, बिकॉज उसके बाद ही यू नो यू विल एंजॉय. अगर आप सीढ़ियों को मेहनत करके चढ़ोगे नहीं, तो आप टेरेस में कैसे पहुँचोगे? तो मेहनत की ज़रूरत ही है. और लिफ्ट ऊपर नीचे जाना है, पर वो ख़राब भी हो सकती है, तो फास्ट लेने का ही नहीं, अपने पैरों पर फोकस करो और जस्ट गो ऑन टू द टेरेस. फिल्म देखने के बाद एक क्विक रिएक्शन क्या दिया आपने यशस्वी जोयाल को? अभी तक दिया ने, मैं इधर आ गया, आई हैव टू मीट हिम. एंड मैंने पहले भी बोला है, इज़ वेरी टैलेंटेड, आई रियली लव हिम. बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही टैलेंट है उसके अंदर. एंड आई एम जस्ट गोना कांग्रेचुलेट हिम एंड विश हिम ऑल द बेस्ट. राइट, फ्यूचर में कभी उनके साथ काम करते हो? अरे मैं, मेरी पर नाचते हुए दिखाई देंगे, मेरी खुशकिस्मती होगी अगर वो मुझे डायरेक्ट करेगा, बिकॉज एक एक्टर, एक आर्टिस्ट को सबसे इंपॉर्टेंट वही बात होती है जब एक अच्छा डायरेक्टर मिला. आई थिंक इज़ वेरी गुड. आपके लेफ्ट बैक अहमद सर, रेमो सर, जो अभी आज काफ़ी बड़े डायरेक्टर बन गए, तो उनकी मूवी बैरी रेस थी, तो आप कितने एक्साइटेड हैं? रेमो सर अगर खाना भी खाएंगे तो मैं एक्साइटेड रहूँगा. रेमो सर जो भी करेंगे मैं एक्साइटेड रहूँगा. रेस 3 बहुत बड़ी मूवी है, और आई होप कि मूवी बहुत अच्छी हो, क्योंकि रेमो सर को कौन प्यार नहीं करता. एंड वी रिस्पेक्ट हिम, लव हिम, एंड आई जस्ट होप एंड आई प्रे कि रेस 3 जैसे बहुत सारे अनेक बड़ी बड़ी मूवी बने, और रेस 3 बड़ी हिट हो जाए, उसके बाद ABCD की शूटिंग स्टार्ट हो जाए. अच्छा, ABCD की बात की आपने, तो क्या ABCD 3 में मतलब ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ बात हुई है रेमो सर से, अगर कुछ शेयर करना चाहें? रेमो सर ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, खाली सिर्फ इतना ही कहा है कि ABCD 3 बनेगी. आई थिंक ही अनाउंसड ऑल्सो, टाइटल अनाउंस नहीं हुआ है, बट फॉर श्योर एक डांस मूवी बनने वाली है, जो इंडिया की सबसे बड़ी 3D मूवी होगी, ऐसा प्रॉमिस किया है रेमो सर ने, और हम रेमो सर के प्रॉमिस पे खरे उतरेंगे. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू. ऑनेस्टी है, झलकती है हर क्षण में, हर मोमेंट में. एंड आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट राघव एंड हिज ब्रदर बोथ आर ऑल अबाउट, ऑल ऑनेस्टी. एंड यार प्यार हो गया इस बंदे से, ही इज सच अ सो मच फॉर हिम टू से इन द फिल्म, और कमाल है. आई रियली लव्ड इट. आई लव एवरी बिट ऑफ द जर्नी दैट्स बीन शोन. यार अब तो मुझे जानना है विवेक के बारे में, और जानना चाहता हूँ, यू नो. The best part is about the rawness. He's not trying to be or pretending to be anyone at all. And I love the title, I Stammer When I Talk. It's like an app title, and the guy is amazing. Like really, really cool. Yeah. He's just brilliant. And it's so kamaal, because in the film also, we can see that when he talks, he stammers, but when he raps, he doesn't. And also, the good part is he makes fun of himself. Like, he's not conscious about the fact. He loves it. He says, "I look, rap is good, but bolte time mein zero bolta hu." It's amazing. Honesty, yeah, that's exactly what it is. So I think it's very, very honest. It's a very honest effort from both, from even Yashasvi and you know the whole team that's made this documentary.
आई रियली विश कि सब लोगों तक पहुँचे ये एंड एवरीबडी शुड डेफिनेटली सपोर्ट टैलेंट लाइक दिस थ्रू आर नेशन. एंड जिस तरह से इन द फिल्म दे सेड नॉट जस्ट वन विवेक देयर आर सो मेनी ऑफ देम एंड यू शुड डेफिनेटली सपोर्ट ऑल ऑफ देम इज बिकॉज दे ग्रेट ग्रेट टैलेंट. फिल्म देखने के बाद एक क्विक रिएक्शन क्या दिया आपने? ब्रिलियंट, मुझे बड़ा मजा आया. आई रियली वॉन्ट टू मीट हिम नाउ. अब मैं राघव से ही पूछ रहा था कि मैं इज ही हियर, वो कहाँ पर है, बिकॉज आई वॉन्ट टू नाउ गो एंड मीट हिम पर्सनली एंड सिट डाउन to know what he is like. So yeah, that's the best part of the film. Ki dekhne ke baad tumhe lagta hai ki yaar bande se milna hai. Nice, very very nice part. Really honest, everybody should definitely go out there, watch it. We're going to be posting it online all over our pages. Please go and have a look and please share with us what you think about the film as well. Thank you. Any of your upcoming project you would like to share? Ab yaar abhi filhal iske bare mein baat karenge. Mere upcoming project bahut sare hain bhai, bahut sare hain. I mean, a lot of work is coming my way. Thank you guys. Kaidi dene ke andar you are watching Jyotish Duniya. What are you watching? Jyotish Duniya. Jyotish Duniya. Hi guys. Hi. Yeah. Hi guys, this is Ritvik here, Ritvik Dinjani, and you guys are watching Jyotish Duniya. Cheers. Thank you sir. Thank you. Khatam ho gaya na? Nahi, khatam ho gaya. क्विक रिएक्शन ये है कि मूवी में जिस लड़के के बारे में बात करी है वो ये की है कि वो कितना अच्छा रैप करता है, उसके वर्ड्स कितने अच्छे हैं, किस बुरे फेस से गुजरने के बाद भी उसने अपने आप को बोला कि मैं रैप नहीं छोड़ूंगा, और वो एंड में साइन हो जाता है किसी कंपनी से, वो कंपनी मेरी है. तो मतलब वो मुझसे ही साइंड है और मैं राघव से बहुत क्लोज हुआ. आई एम वेरी थैंकफुल टू राघव एंड यशस्वी कि उन्होंने मेरे को इससे इंट्रोड्यूस कराया और मेरे पास इतना बढ़िया नगीना आया. So yes, मेरा और उनका इक्वेशन तो बहुत अलग ही है. We are like family. आप भी रैप करते हैं तो कितना कनेक्ट किया आपने कोई स्टार्टिंग के दिन आपको याद है अगर हाँ. कुछ शेयर करना चाहे इस बारे में? मैंने इतना ज़्यादा कनेक्ट किया कि मैं ये मानता हूँ कि अगर मेरी अपनी कोई मशाल है, अगर मैं किसी को आगे दूंगा तो वो ये लड़का होगा. एंड दैट इज़ व्हाई आई साइंड हिम अप. कोई दो लाइनें अगर डेडिकेट करना चाहे इस फिल्म को और यशस्वी जुयाल को? इन दोनों को कर देते हैं. हाँ, एक रैपर है, एक डायरेक्टर है, दोनों आगे बढ़ते बहुत डटकर है. समथिंग लाइक माय प्रोजेक्ट जस्ट गॉट रिलीज्ड. मैंने अभी एक गाना रिलीज़ किया सारे करो डैप, जिसका ऑलमोस्ट 8.3 मिलियन हो चुका है, परसों ही आया था. उसके साथ साथ मेरी एल्बम भी आई है जीरो टू इन्फिनिटी, जो सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है एंड इट्स वर्किंग आउट रियली गुड. अभी नंबर वन पे इंडिया में, अगर आप इंडी पॉप्स के चार्ट पे या किसी पे देखोगे तो टॉप पे बैनर मेरा ही है. सो म्यूजिक हैज़ बीन रिलीज्ड एंड इट्स गोइंग ऑन रियली गुड. बाकी रोडीज चल ही रहा है टीवी पे. एक गाना इनका रिलीज हो चुका है, अंडरग्राउंड से इन्होंने स्टार्ट किया है. अब इनका मेन स्ट्रीम सारा लेबल पे कोलैबोरेशन, जिस भी आर्टिस्ट के साथ ये करना चाहते हैं, जहाँ भी शूट करना चाहते हैं, वो सब चीज़ करने की जिम्मेदारी मेरी है. वो उनकी मर्जी से होगा, मेरी मर्जी से नहीं, क्योंकि मैंने उसको देख के साइन किया, अपने लिए उसे साइन नहीं किया. हाँ जी, रैप करके बोलोगे अच्छा लगेगा. यू आर वाचिंग ज्योतिष दुनिया. यू आर वाचिंग ज्योतिष दुनिया. ज्योतिष दुनिया सर, ऐसे ही बोलते सर. थैंक यू सिंपल सिंपल. नमस्कार, मैं रफ्तार और आप देख रहे हैं ज्योतिष दुनिया. थैंक यू. हां शुक्रिया. नो, वी कांट डू ऑल दिस. अरे यार, आईडिया अच्छा नहीं है. नहीं, बकवास है. तो फिर मैं आया दो मिनट पीछे रुक जा. अरे मैं बोला ही था ना आप लोगों को कि इसका काम मुझे पता है एंड मैं देखे हैं. अब अपन लोगों ने कुछ ऐसे क्लिप देखे थे, कुछ ऐसे अली के भी इस टाइप के कुछ थे. सो आई नो, मुझे पता है कि ये वर्क कैसे करता है एंड बहुत सही, कुछ यूनिक सा है. सब लोग यही बोल रहे हैं ना, कुछ यूनिक सा है कुछ, पर सच में बहुत यूनिक है. एंड एक मैं बोलते हैं ना, मुझे मैं देख रहा हूँ उसमें वो डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी, मुझे ऐसा मेरा सब लोगों का अपना अपना एक चीज़ दिखी होगी उसके अंदर कि इस तरह से. बट हाँ, जिस तरह से विवेक को
मैं तो चाहूँगा और आगे ऐसे मिले. एंड ऐसे ही माइक के साथ, ऐसे ही कैमरे के साथ और बड़ी बड़ी करो भाई, है ना. और आते रहो ऐसे बाइक देते रहो. सो ला पानी पिलाओ. धर्मेश भाई को मैं बहुत टाइम बाद मिल रहा हूँ. दरअसल अमेरिका निकल गए थे इसी काम के सिलसिले में, तो वो बहुत टाइम बाद आ रहे हैं. तो आज हम मिलेंगे और आज मेरे ख्याल से सुबह तक मिलते रहेंगे. फिल्म देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन था? फिल्म मैंने पहले भी देखी है और फिल्म का ये रिएक्शन मेरा अभी भी वही रहेगा कि यार बहुत ऑनेस्ट है यार, बहुत ऑनेस्टी से बनाई है. कोई ऐसा नहीं है कि बनाने के लिए बनाई है या फिर, और सिनेमा को बहुत, ये सिनेमा है एक्चुअली और डॉक्यूमेंट्री है. किसी एक इंसान को उसके अंदर के भाव क्या चल रहे हैं, बाहर क्या चल रहे हैं, वो पूरा डॉक्यूमेंट्री में असल में आता है. कोई मतलब ये कोई सतही वैसी बात नहीं है, तो सामने आता है वो. तो डॉक्यूमेंट्री में सबसे स्पेशल बात ये है कि आप अंदर सब टेक्स्ट देख सकते हैं. सब टेक्स्ट सामने. अच्छा मेरे को उनसे उन्होंने पूछा था ना. हाँ अच्छा हाँ, अरे ये लोग भी तो हैं. तो हाँ, तो मेन है कि सब टेक्स्ट जो हम लोग कभी कभी करते हैं जो फिक्शन फिल्म्स में, कि अंदर जो चल रहा है हम बाहर नहीं बताते, इसमें क्या है जो अंदर है वो बाहर है, तो सब खुला मामला है भाई. यस इट इज ऑनेस्ट. इन फ्यूचर आप दोनों का कोलैबोरेशन कभी देखने मिलेगा या फिर वो डायरेक्ट करे आप? अभी हुआ है तो, अभी एक इंतहा मैंने हम लोगों ने ताबिश पाशा एक हैं सिंगर. एक ही है ताबिश. मैंने कान सुनो अपने. तो ताबिश पाशा जो हैं उन्होंने, उनके साथ मैंने किया था और इसने डायरेक्ट किया था वो, और लकी और अग्रिम और उनका वो प्रोडक्शन. यस उन्होंने किया था साथ मिलके. तो यस हम लोग करते रहते हैं कुछ ना कुछ, मगर अभी मैं लाइक हुआ नहीं हूँ, तो मुझे अभी और एक्टिंग में सीखना पड़ेगा और घुसना पड़ेगा ताकि मैं. और हम ऊपर जाते ना घूमने फिरने, जब घर जाते हैं तो ट्रैक पे जाते हैं तो लगा रहता है वो वेंचर कोलैबोरेशन लगा रहता है. मैं कैमरा में इधर कुछ ना कुछ, हम पे इतना सारा है जो ऐसे ही पड़ा हुआ है हम सबका आपस का. बट एक चीज़ है कि दिखता है कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है. एक चीज़ है, और ऐसा नहीं कि आज ये मूवी देख के बोल रहा हूँ, मैं तो बहुत पहले से बोल रहा हूँ. जब इसको पहली बार देखा था तब ऐसा लग रहा था कि बंदे में कुछ है. सो यार मुझे लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ होगा. अच्छा बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं, उनका कोई ड्रीम एक्टर होता है कि मैं इस एक्टर को जो है जरूर कास्ट करूंगा, तो आपका ऐसा ड्रीम एक्टर है कोई अगर आप शेयर करना चाहें? लोग सामने भाई, ड्रीम एक्टर रफ्तार भाई तू भी आ जाएगा. तो मैं कास्ट करना चाहूंगा संजय मिश्रा. जब से मैंने आंखों देखी थी, एक फिल्म आई थी उनकी, वो फिल्म देखने के बाद से मेरे को बहुत अंदर से एक लस्ट था कि उनके साथ कुछ गलत नहीं करना, बट काम करना है. अच्छा आप दोनों से जानना चाहूंगा, जो है रेमो सर की फिल्म आ रही है रेस 3, आपको पता होगा, क्या कहना चाहेंगे? अपने ट्रेलर और म्यूजिक देखा होगा फिल्म का, कितने एक्साइटेड है फिल्म? मेरे को सबसे बढ़िया लगा कि आज जो गाना लॉन्च हुआ मैं उसका कल रात से इंतजार कर रहा था. हाँ, और टू डेज टू गो होता है इंटरनेट में, तब से इंतजार कर रहा था और आज जाके वो गाना लॉन्च हुआ. मैंने भी 7 बजे देखा. अल्लाह दुहाई है. यस सो बहुत ही बढ़िया गाना. एंड क्योंकि पहला जो मूवी आया था, देन सेकंड आया था, सो उसके बाद थोड़े फास्ट इस पे था, पेस पे था. अब ये थोड़ा वो ट्रैप वाले उस पे आया है. सुना है ना शुभा? तो बहुत इवन डांसिंग के लिए भी बहुत, डांसिंग के लिए भी. और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगा एज अ व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू, सर की पिक्चर है कि मैं ओला मतलब हाँ मैं देख रहा हूँ ओला उबर से मैं ट्रैवल करता हूँ, इतनी गाड़ियाँ उड़ाई हैं उसमें. तो मैं चाहता था अपने बच्चों को अगर 2 गाड़ी दे देते वो इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ उड़ाई हैं, बस इतना मैं कहना चाहूँगा. अच्छा इसके अलावा ABCD3 की भी बात हुई है, तो उस फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड है और उस बारे में कुछ बात हुई है रेमो सर से, अगर कुछ शेयर करना चाहें? बस ABCD3 की बात हुई है और हमारी वैसे बात ही होती है, हमारे घर का जैसा माहौल है. अब तो फैमिली मूवी लगती है वो, जब भी ऐसा होता है कि आज यार पार्टी है ऐसा, ऐसे सोचते हैं चलो मूवी है. यस 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 यस, तो हमारी फैमिली की मूवी है. एंड बहुत सारे हमारे साल का हमारे एक हमारे 2-3 साल में हम एक ही बार ब्रेक लेते हैं, हम बहुत काम होता है तो हमारा जो ब्रेक होता है वो ABCD होता है. क्या मैंने सपोर्ट सिर्फ ये किया है कि भाई मैंने कैटरिंग वाले को बुलाया, चाय समोसे का इंतजाम किया है, बाकी सब इसने किया है, शूट वूट सब कुछ. सैंडविच है सर, समोसे नहीं. सैंडविच है? अरे यार ये पेट में समोसा वाली फीलिंग क्यों आ रही है? मुक्ति फिल्म देखी, क्विक रिएक्शन क्या था फिल्म देखने के बाद और क्या कहना चाहेंगे? राघव के भाई की फिल्म है और राघव के साथ किस तरह की बॉन्डिंग रही है, अगर कुछ शेयर करना चाहेंगे?
फिल्म देखकर अगर एक शब्द में बोलूं तो सच्चाई, साफ दिल से सच्चाई बोली है। और मैं यशस्वी को 3-4 साल से जानती हूँ और उसके मतलब पहली बार जब हम ट्रिप पर गए थे, मैं, राघव, शक्ति जी, हम सारे फ्रेंड्स सब बाहर मिलकर गए थे, तो मुझे याद है वो कैमरा छोड़ता ही नहीं था उसको। एक एक मोमेंट, कभी भी अगर पानी में कभी मछली भी गई है ना तो वो कैप्चर कर लेगा, वो तब तक कैमरा ऑन रखता है। और जुनूनी है और बहुत पागल है, उसके भाई जैसा ही है और देहरादून का है, तो पहाड़ी लोगों के लिए ना मुझे सॉफ्ट कॉर्नर है क्योंकि बहुत साफ दिल के होते हैं और जो दिल पे है ना वो जबान पे है, कुछ फिल्टर नहीं है। तो द बेस्ट पार्ट वाज कि जो जैसा वो है वैसी उसकी फिल्म भी थी, तो वो देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और हम तो एंड में उसकी जो स्पीच थी मैंने प्राइवेटली रिकॉर्ड करी है, मैंने कहा ओह हमारा छोटा बच्चा बड़ा हो गया, इतनी अच्छी, कैसे गर्व हो रहा था, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। राइट, तो फिल्म देखने के बाद कैसी लगी फिल्म आपको, क्या रिएक्शन था उसको देखकर, मतलब स्टैमर व्हेन आई टॉक, हाँ तो क्या खास बात लगी? आई स्टैमर व्हेन आई टॉक इज आल्सो लाइक अ मेटाफर फॉर कि कितने लोग हैं जितने कि जितनी बार आपके चोट लगी होती है, जैसे डांसर्स को चोट लगती है तो हम सोचते हैं लगी हुई है, नहीं होता है, बट व्हेन यू आर ऑन स्टेज और लाइट ऑन है और कैमरा आपके ऊपर है और म्यूज़िक चलता है तो आप सब भूल जाते हो। तो उसी तरह से इवन फॉर द रैपर इट वाज एग्जैक्टली लाइक जैसे ही वो रिदम में होता है तो कहता है मेरे तो जबान भी नहीं लड़कर आ रही ना मेरे को कुछ हो रहा है एंड एवरी थिंग इज़ वेरी नॉर्मल। तो एग्जैक्टली लाइक दैट आई कुड रिलेट टू हाउ रियल और इतने साफ दिल का बंदा है। एंड इवन आफ्टर गोइंग थ्रू अलॉट पर्सनली, उसके फादर की डेथ हो जाती है एंड इवन वंस यू सी द फिल्म यू विल नो दैट वॉट ऑल ही वेंट थ्रू, बट कीपिंग ऑल दैट असाइड उसने फिर भी काम किया है। डिलीवरी बॉय था वो, उसके साथ उसने ATM के बाहर वॉचमैन भी बनाया हो, तो मतलब घर पे 15,000 के मतलब 15,000 कमाते थे उसके पापा, उनके जाने के बाद घर पे कोई भी कमाने वाला था ही नहीं, उसका एक छोटा भाई और माँ थी, तो उसने दो दो अलग अलग काम किए, अलग अलग शिफ्ट में सब काम करके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके किया। बट एक जो टैलेंट है वो आपको कहीं से भी खोज के एक तराश लेगा और आपको हीरा बना देगा। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट रफ्तार हैज़ एक्चुअली गॉट दिस बॉय। और अच्छे हमें सच्चाई वाले शब्द सुनने को मिलेंगे और देहरादून पहाड़ी दिल से, तो और खुशी हो रही है कि अच्छा टैलेंट आगे जा रहा है। एनी ऑफ योर अपकमिंग प्रोजेक्ट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग व्हिच विल कम वेरी सून, तो अभी आने वाला है, अभी आने दो तभी बात करते हैं ना, 3-4 चीज़ें हैं वैसे, बट सितंबर तक 3 चीज़ें आ जाएंगी और अभी जून बाय 23rd-24th यू विल नो देयर इज समथिंग वेरी बिग एंड अपकमिंग और दोस्तों के साथ है तो और बड़ा होने वाला है। तो और आप तीनों बहनों को भी देखने के लिए लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है एक साथ, तो क्या कहना चाहेंगे, कब आएगा वो मौका? और मैं भी एक्साइटेड हूँ कि मेरी बहन घर कब आएगी, वो तो हवाई में सर्फिंग कर रही है कब से, मैं ऑनलाइन देख देख के तंग आ चुकी हूँ कि अरे घर आ जाओ परदेसी आपका देश बुला रहा है। तो आई डोंट नो वेयर शक्ति इज़, वो आने वाली हैं, तो कितना टाइम हो गया कि हम सारे एक साथ डिनर टेबल पर बैठे हैं और हम खाना खा रहे हैं, कितनी बार कोई रिकॉर्डिंग पे बिजी है, कोई शूटिंग पे बिजी है, तो हम बहनें मिल ही नहीं पाते हैं। बट आई थिंक बाय मिड जून हम सब मिलने वाले हैं और हम जल्दी सेलिब्रेट करेंगे दैट ऑल्सो एंड यू विल ऑल्सो सी अस टुगेदर। थैंक यू। आईडी देना। हाँ, यू आर वॉचिंग ज्योतिष दुनिया, कट करना पहले। जो